अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि हमारा आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू है, जिस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट मुकम्मल कर लिए है। पिछले लेक्चर में हमने इसका न्यूमेरिकल पोर्शन की शुरुआत की थी और उस लेक्चर में हमने अभी तक जो न्यूमेरिकल है 5 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, आज के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, और आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 5 से 6 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 74 पर ये जो न्यूमेरिकल्स है इसमें न्यूमेरिकल नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 16 ऑन पेज 74। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में 74 नंबर के पेज पर 16 नंबर का न्यूमेरिकल है जिसकी आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आज के इस लेक्चर का क्या बोलता है इसे समझिए। कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब आपको यहाँ पर कंपेयर बताया है। इसका मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करना है, दो चीज़ों को कंपेयर करना है। इससे मुराद ये है कि हमें यहाँ पर रेशो निकालना पड़ेगा, निस्बत निकालनी पड़ेगी, है ना। तो कंपेयर द RMS स्पीड, और क्या किस चीज़ को कंपेयर करने के लिए कहा गया है, RMS स्पीड मतलब VRMS हमें यहाँ पर कंपेयर करना है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एट 127 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है इसके अंदर गिवन डाटा में। सबसे पहले तो हम T1 लिखेंगे 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप सभी को पता है हम यहाँ पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं तो हमें इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो T1 इक्वल टू 273 प्लस 127। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 प्लस 3 10 कैरी 1, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10 सिफर कैरी 1 और 2 प्लस 2 4, मतलब कितना 400 केल्विन। तो T1 कितना आ गया आपके पास में 400 केल्विन। इज इट क्लियर। ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की RMS स्पीड को किसके साथ में कंपेयर करना है, तो आंसर है विद RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इसे कंपेयर करना है एट 27 डिग्री सेल्सियस। और जो सेकंड वाला हमें टेम्परेचर दिया गया T2 वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 300 केल्विन। कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, 7 प्लस 3 10 कैरी 1, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10 कैरी 1 और 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो T2 कितना निकल गया हमारे पास में, T2 हमारे पास में आ गया 300 केल्विन और T1 हमारे पास में आ गया 400 केल्विन। और क्या बोला है उसने कि VRMS मतलब किस किस का, सबसे पहले तो आपका H2 मतलब हाइड्रोजन का और बाद में O2, ये दोनों का हमें कंपेयर करना है। ठीक है, हाइड्रोजन और एटम का आपस में कंपेरिजन करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, आइए इसके लिए हम मतलब फार्मूला लिखते हैं। तो हमें क्या बोला है, कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट, हाँ ठीक है, तो देखिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं V इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ होता है 3RT अपॉन एम नॉट, क्या होता है 3RT अपॉन एम नॉट, ये हमारे पास में वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। हाँ, और आगे एक और बात उसने बोला इसमें इस क्वेश्चन के अंदर, गिवन दैट दिया गया है मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन मतलब MO, यहाँ लिखता हूँ मैं MO फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कितना है, तो द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 और 3, मतलब हाइड्रोजन के लिए 2 है और MO फॉर O2 के लिए कितना है, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में दिया गया है 32। ये मॉलिक्यूलर मासेस हमारे पास में हाइड्रोजन और किसका दिया गया, ऑक्सीजन का, बस इसकी बुनियाद पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला हमारे पास में V = √3RT/mO। ठीक है, तो देखिए 3 भी कांस्टेंट है और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर और जो मॉलिक्यूलर मास है वो अलग अलग, क्योंकि टेम्परेचर भी अलग अलग दिया गया और MO भी अलग अलग दिया गया। तो हम इस इक्वेशन की बुनियाद पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि V = √ ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में T/mO, कितना हो जाएगा T/mO। ठीक है, अब बस हम इसी फार्मूले की बुनियाद पर इसे कंपेयर कर लेंगे। तो हम बोलेंगे V/VRMS फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय VRMS फॉर ऑक्सीजन इक्वल टू, देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर शुमार कुरिंदा में T है तो हम इसे लिखेंगे T और ये है आपके पास में हाइड्रोजन के लिए और यहाँ लिखेंगे T और ये ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, लेकिन जो M0 है वो डिवाइडेशन में है, मतलब इन्वर्स में है, तो ये कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M0
तो ये आप किसके लिए रहेगा, तो ऊपर हाइड्रोजन है नीचे ऑक्सीजन है, तो ये कैसे हो जाएगा फिर, तो ये इसका उलट हो जाएगा, ये हो जाएगा O2 के लिए और इधर M0 जो होगा वो होगा H2 के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पर भी H2 कर दो इसको और यहाँ पर भी H2 कर दो, ठीक है। इसका मतलब वी आर एम एस डिवाइडेड बाय वी आर एम एस, वी आर एम एस ये है आपके पास में H2 के लिए, ये आपके पास में O2 के लिए, इनका हम कंपेयर कर रहे हैं। और इधर क्या बचेगा, हाँ pH हमारे पास में कितना है, तो पहले हाइड्रोजन के लिए बोला था, तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास में 400 है, 400 डिवाइडेड बाय TO कितना है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में 300 है मल्टीप्लाई बाय MO फॉर O2, O2 के लिए कितना है, तो O2 के लिए हमारे पास में 32 है, 32 डिवाइडेड बाय H2 के लिए हमारे पास में कितना है, H2 के लिए 2 है, ठीक है। सिफर सिफर कैंसर, 2 1 1 2 16 7 32, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाँ यहाँ बचेगा हमारे पास में वी आर एम एस डिवाइडेड बाय वी आर एम एस, ये है हमारे पास में H2 के लिए और ये हमारे पास में O2 के लिए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर कितना बचेगा, 16 4 64 डिवाइडेड बाय 2 1 3 1 3, है ना। तो ये तो 64 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, वी अपॉन वी, ये है आपके पास में H2 के लिए, ये है आपके पास में O2 के लिए, आर एम एस स्पीड निकली है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 3, ठीक है। देखते हैं आंसर, चेक करते हैं, यहाँ पर आप आर एम एस लगा लो, आर एम एस और ये भी आर एम एस, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर करेक्ट है या नहीं। न्यूमेरिकल नंबर 16 का आंसर 8 रेशो रूट 3, देखिए हमारा आंसर बराबर आया है 8 रेशो रूट 3। तो यही तक आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, आप लॉग टेबल से रूट 3 की वैल्यू को भी निकाल सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल का आंसर मुकम्मल है, इसका स्नैपशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ ए गैस एट STP गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10^5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। मतलब हमें बेसिकली सवाल के अंदर क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है हमें यहाँ पर, E निकालना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन के अंदर 17 के अंदर, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ ए गैस। देखिए यहाँ पर इसने लीटर बोला है, थोड़ा हमें यहाँ समझना पड़ेगा, 5 लीटर ऑफ ए गैस मतलब जो एक कंटेनर है उसमें 5 लीटर गैस है, मतलब यहाँ पर लीटर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर हमें वॉल्यूम बताया गया, तो वी इक्वल टू कितना है, वी इक्वल टू हमारे पास में 5 लीटर। अब हम क्या करेंगे, इस लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -3 मीटर की ओर से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी हमारे पास में कितना आ गया, 5 × 10^-3 मीटर, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला है, एट अ गिवन STP इसने बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर टी कितना होगा, तो टी होगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब टी इक्वल टू 273 केल्विन। आगे बोला है गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1.013 और आपके पास में प्रेशर भी दिया गया है, प्रेशर कितना है, तो प्रेशर आपके पास में है 1.013 × 10^-5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इतनी वैल्यू आपके पास में दी गई है 1.013 है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फिर से सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ ए गैस एट STP, हाँ ठीक है STP पर है, गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1.013 × 10^5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो ठीक है हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता था, ये होता है 3/2 PV, किसके बराबर होता है, 3/2 PV, यहाँ पर P जो है वो प्रेशर है और V जो है वो वॉल्यूम है, इज इट क्लियर। 3/2 हम इसको हाफ लिख लेंगे, मतलब 1.5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय पी आपके पास में कितना है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, 1.013 × 10^5 × V आपके पास में कितना है, V आपके पास में 5 × 10^-3, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसको लिख लो 1.5 की लिख लो 15 लिख लो, मल्टीप्लाई बाय इसको लिख लो 1013 × हाँ अब देखिए एक ये जो हमने पॉइंट को रिप्लेस किया वन प्लेस और ये 3+, तो 3+1 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, मतलब इसको हम लिखेंगे 10^-4। माइनस के क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट को हम ये वाले साइड में ले जा रहे हैं, इसलिए माइनस लिखा हमने यहाँ पर, और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास में 10^5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 × 10^-3, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 15 फाइव आर
तो एक काम करते हैं 15 × 1013 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। देखिए अब यहाँ पर अगर अब हम क्या करेंगे, सारे पावर्स को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस के 4 और माइनस के 3 तो कितने जाएंगे, माइनस के 7, और माइनस के 7 में प्लस के 5 मिलाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, हाँ बराबर है, माइनस के 2 बचेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 3 15 कैरी 1, 5 1 1 और 1 और 5 1 1 और 5 + 1 6 5 0 5 0 0 और 5 1 5 × 10⁻¹² माइनस के 2। अब क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करते 5 0 6 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो 5 5 25 के 5 कैरी हाथ क्या है 2, और 5 6 30 और 2 32 के 2 हाथ क्या है 3, 5 0 0 3 3 और 5 5 25 एक प्लेस छोड़ दो 5 6 0 5 5 के 5 5 और 2 7 6 और 3 9 5 के 5 और 5 और 2 7। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 7 5 9 7 5 × 10⁻²⁻²। इसका मतलब इसकी कितना हो जाएगा, ये 75 97 5 और 2 प्लेस हमें पॉइंट इधर लेना है तो यहाँ लगा दो प्लेस और ये आ गया आपके पास में काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होंगी, जूल होंगी। ठीक है, तो सेकंड का आंसर बराबर है। ठीक है, ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। ये इसका सब थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, इसे आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़े कैलकुलेशंस इसमें बड़े हैं, थोड़े से कैलकुलेशन आपको भी करना पड़ेगा घर पे। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मैं इसका सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, और तीन ऑप्शन आपके पास में दिए गए पर किलो मॉलिक्यूल। यहाँ ख्याल रखना है कि हमें यहाँ पर किलो मॉलिक्यूल बोला है, सिर्फ पर मॉलिक्यूल नहीं बोला है, तो किलो का हमें ख्याल रखना है, मतलब डिवाइडेड बाय 10⁻³ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। पर किलो मॉलिक्यूल पर केजी, ठीक है, और तीसरा है पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके पास में T1 दिया गया इस सवाल में, सबसे पहले जो गिवन है वो निकाल देते हैं हम। 127 डिग्री सेल्सियस मतलब T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 273 प्लस 127 मतलब ये हो जाएंगे आपके पास में 400 केल्विन। ठीक है, तो T1 आपके पास में कितना निकल गया, T1 निकल गया 400 केल्विन। आगे बोला है उसने, गिवन दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम पर मोल, और आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है तो ये है 32 ग्राम पर मोल, तो हम इसे क्या करेंगे, किलोग्राम पर मोल कर देंगे क्योंकि हमें किलोग्राम का काम है, इनटू क्या करेंगे 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। आगे बोला है उसने कि वेयर आर इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, आपके पास में आर की वैल्यू मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय केल्विन, ये आपके पास में किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। ठीक है, हाँ उसके बाद में दिया गया उसने एंड एवोगाड्रो नंबर एनए आपके पास में दिया गया है, एनए आपके पास में कितना है, एनए हमारे पास में 6.02 × 10⁻²⁻²⁻³ और इसका यूनिट जो है मॉलिकुलर मोल इनवर्स आपके पास में दिया गया। तो ये आपके पास में एवोगाड्रो नंबर है, ये आपके पास में आर है, ये मॉलिकुलर वेट दिया गया है और आपके पास में टेम्परेचर दिया गया है, और हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पर तीन चार चीज़ें निकालनी है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें रफ वर्क करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ इसकी आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल बोला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, ये हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे के ई पर मोल इक्वल टू होता है 3/2 RT। इस फार्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 3/2 RT। ठीक है, तो ठीक है 3/2 मतलब इसको 1.5 लिख लो, और R आपके पास में कितना है, R हमारे पास में 8.31 × T आपके पास में कितना है 400 मतलब 4 × 10⁻⁴
टू, ठीक ठीक है। तो 15 इंटू 8 31 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और माइनस के 1 माइनस के 3 और ऑलरेडी यहाँ पर प्लस के 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 15 फोर ज़ार 5 20 के सिफर हाथ किया है 2, 5 20 का सिफर हाथ किया है 2, 4 1 4 और 2 6 60 इंटू 8 31 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और प्लस के 2 मतलब यहाँ बचेगा माइनस के 1, ठीक है। इसका मतलब ये 16 और ये माइनस के 1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा 6 इंटू 8 31, इसका मतलब 6 का 6 6 3 18 के 8 हाथ किया 1 और 6 8 या 8 6 का 6 का पाड़ा में 8 पढ़ना पड़ेगा, 8 1 8 16 8 6 8 4 8 5 8 6 48 और 49, ठीक है 4986। तो आपके पास में जो फर्स्ट वाला आंसर है बिल्कुल सही, हमारे पास में 4986 ये निकाल के हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी, ये तो पर मोल है, ये कौन से किसके लिए फार्मूला है, पर मोल के लिए। अब हम क्या करेंगे, किलो करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटू 10 की पावर प्लस की 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर इसका यूनिट जो लिख सकते हो, स्नैपशॉट लीजिए, वो निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी पर केजी, तो 3/2 RT/m0 ये फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, पर केजी बोला है तो RT/m0, ठीक है। तो ये इसको लिख लो 1.5 इंटू आर आपके पास में कितना है, आर है 8.31 इंटू टी कितना है 4 इंटू 10 की पावर 2 और एम कितना है आपके पास में, मॉलिकुलर मास दिया गया है 32, ठीक है। तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 8 4 8 32 मतलब 15 और यहाँ 831 कर दो इसको, ज़रा 10 की कुव्वत मनफी के 2 और मनफी का 1 मनफी का 3 मुस्बत के 2 और डिवाइडेड बाय 8, है ना। अब क्या करेंगे, इसको 15 से ज़रा करेंगे, तो ये कोई पहाड़ी में आते हैं क्या, देखते इसको नहीं, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई, 15 1 15 5 हाथ क्या है 15 3 45 और 1 46, एक काम करो इसको ऐसे कर लो 831 को 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 5 5 3 15 5 हाथ क्या है 1 और 5 8 40 5 8 40 और 1 41, 1 1 छोड़ दो 1 1 1 1 3 1 8 5 5 5 6 3 1 4 और 8 8 4 12, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 12,465। ज़रा 10 की कुव्वत मनफी का 1 बचेगा यहाँ पर, मनफी के 3 और मुस्बत के 2 और डिवाइडेड बाय 8, इसको 8 से डिवाइड कर दो आपके पास में यहाँ पर आंसर आ जाएगा और आप इसको क्या करेंगे जूल में इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास में सेकंड वाला पार्ट, इसका जूल में आपको आंसर लिखना है, बस 8 से डिवाइड कर दो उसको, तकसीम कर दो आपके पास में आंसर आ जाएगा। लिखिए पर मॉलिक्यूल बोला इसने, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मतलब 3/2 KBT, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास में 3/2 और के बी क्या लिख सकते हैं अपन, आर अपॉन एन ए इंटू टी, ठीक है। 3/2 मतलब 1.5, आर आपके पास में कितना है 8.31 और टी आपके पास में कितना है 4 × 10⁻²² डिवाइडेड बाय आपके पास में एन ए कितना है, एन ए आपके पास में 6.02 × 10⁻²³, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई आपके पास में सीधी सीधी, फिर से वही 15 × 8 31 × 4 या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 × 60, ठीक है। ज़रा 10 की बात मनफी देखो 15 × 60 और ये 2 प्लेस और 1 प्लेस मनफी के 3 और मुस्बत के 2, मतलब यहाँ कितना बचेगा मनफी का 1 डिवाइडेड बाय इसको लिख लो आप 602। ज़रा 10 की बात प्लस के 23 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 21 बचेंगे, ठीक है। अब आप इसको लॉक टेबल वगैरह से सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में इसका भी आंसर आ जाएगा। इसको लॉक से कैसा सॉल्व करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर ये बन जाएंगे, देखो ये सिफर और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 6 3 18 के 8 हाथ के 1 और 8 4 32 8 6 48 1 49 डिवाइडेड बाय कितना है 602। ज़रा 10 की बात मनफी का 21, अब क्या करना है 4986 को 602 से डिवाइड करो या ऐसे लॉक से सॉल्व करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा और इंटू 10⁻²² 21। स्नैपशॉट न्यूमेरिकल नंबर 19 पेज नंबर 74, ये क्या बोलता है सुनिए इसको, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट, मतलब आपको यहाँ पर क्यू कैलकुलेट करना है, एनर्जी रेडिएट इन 1 मिनट, मतलब टी बराबर कितना है 30 इन 1 मिनट, यानी टी बराबर 1 मिनट, मतलब ये हो जाएंगे आपके पास में 60 सेकेंड टाइम आपके पास में दिया गया, एनर्जी रेडिएट हमें कैलकुलेट करना है
इन वन मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, एरिया आपके पास में दिया गया है, एरिया आपके पास में 100 सेंटीमीटर का, इसका ऐसे से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 100 इंटू 10 की पावर, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना एरिया है माइनस के 4 मीटर का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएंगे आपके पास में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर का स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया एरिया। और क्या बोला है, व्हेन इट्स मेंटेन एट 227 डिग्री सेल्सियस, और टीवी आपके पास में दिया गया है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 227 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको क्या करेंगे 273 में ऐड करेंगे, मतलब टी आपके पास में कितना आ जाएगा, टी आपके पास में आ जाएगा 7 + 3 = 10, और 7 × 2 = 9, 9 × 1 = 10 का सिफर आते हैं, 2 × 1 = 4 = 5, मतलब कितना 500 केल्विन, ये आपके आ गया आपके पास में टी। टेम्परेचर भी है, एरिया भी है, उसके बाद में टाइम भी है, और क्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो बोल्ट्स स्टेबिस, तो हम यहाँ पर कौन से लॉ का इस्तेमाल करेंगे, देखिए वी नो दैट कि आर बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, मतलब आर बी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, और आर बी क्या होता है क्यू अपॉन ए टी होता है, ये थ्योरी हमने बहुत बार देखी है, इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, हमें यहाँ पर क्यू कैलकुलेट करना है, हम ये लिखेंगे क्यू इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 इंटू ए इंटू टी, ये टी स्मॉल रखना है, ये टाइम है, ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपके पास में, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, तो सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 8, कितनी होती है माइनस ऑफ 8 इंटू टी, कितने आपके पास में टी आपके पास में है, टेम्परेचर कितना है 500 है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5 × 10^2 और इसकी कुआत 4 ज़रा, एरिया आपके पास में कितना है, एरिया हमारे पास में 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है, टाइम आपके पास में कितना है 60 सेकेंड है, बस सारी वैल्यूज आप आ चुकी है, इसको लिखो 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 10, ठीक है, इंटू अब 5 × 5 × 5 × 5 5 × 25 25 × 125 125 × 625 625, इसको कर दो 625 और 4 × 2 = 8, तो 10^8 ज़रा 10^-1 इंटू 6, क्योंकि ये एक पावर हमने यहाँ से कट कर दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 5.67 इंटू 6 = 25 इंटू 6 इंटू, देखिए अभी हो जाएंगे माइनस के 10 और माइनस के और माइनस के 11 और माइनस के 11 में प्लस के 8 अगर हम डालेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में 3 बचेंगे, और कौन से 3 बचेंगे माइनस के 3, इसको कर दो 10 की पावर माइनस के 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास में क्यू आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास में आपका आंसर है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, ये हीट है तो यहाँ पर आप इसका यूनिट जूल भी लिख सकते हो। स्नैपशॉट लीगल नंबर 20, एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम ए होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट रेट ऑफ 20 वाट, मतलब आपके पास में एक फर्नेस दी गई है और उसके होल से एनर्जी का इमिशन हो रहा है, मतलब आपके पास में पावर दिया गया और वो कितना है पी इक्वल टू, हम जानते हैं पी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, है ना, ये कितना गया दिया गया 20 वाट, पी आपके पास में दिया गया, और क्या बोला है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, और टेम्परेचर दिया गया फर्नेस का, तो वो कितना है टेम्परेचर आपके पास में 727, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 273 में डिवाइड ऐड कर देंगे, तो टी आपके पास में कितना आ जाएगा 7 × 3 = 10^7 × 2 = 9 × 10 मतलब कितना आ गया 1000 केल्विन, ये आपके पास में आ गया टेम्परेचर। आगे क्या बोला उसने, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द होल, आपको क्या कैलकुलेट करना है एरिया निकालना है, वो बोलते थे वो हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट एरिया हमें वहाँ पर कैलकुलेट करना है, और बोला गया उसने सवाल के अंदर टेक स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा की जो वैल्यू दी गई है उस क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो 5.67 होती है लेकिन क्वेश्चन के अंदर 5.7 दिया गया है, हम उसको वैसे लिखेंगे 5.7 × 10^8, ये आपके पास में सिग्मा की वैल्यू दी गई है, और हमें एरिया कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर हमारे पास में और पावर हमारे पास में दिया गया है, फिर से वही फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, सेम फार्मूला कि आर बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ये होता है आर होता है आपके पास में क्यू अपॉन ए टी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, अब हमें यहाँ से ए निकालना है तो क्या करेंगे क्यू अपॉन सिग्मा टी की पावर 4 इंटू टी, और यहाँ पर आ गया आपके पास में ए, बस वैल्यूज को रख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्यू आपके पास में कितना है क्यू अपॉन टी, हाँ तो क्यू अपॉन टी आपके पास में 20 है डिवाइडेड बाय सिग्मा आपके पास में कितना गया है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 8 इंटू टी की वैल्यू कितनी आपके पास में, टी की वैल्यू आपके पास में 10 की पावर 3 रेस टू पावर 4 इंटू, ठीक है, बस तमाम चीज़ें आपके पास में हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, आप क्या करेंगे इसको 20 को एज इट इज़ रहने दो, इसको 5.67 कर दो और इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 8 और 4 × 3 = 12, यानी कि ज़रा 10^4 मुस्बत के 12, ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे कि मुस्बत के 12 में से
चार तिया 12 बराबर है। हाँ अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम ये करेंगे कि दो मिनट, सिग्मा की वैल्यू 5.7, ये गलत हो रही है, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है 5.7 इंटू 10^-8 इंटू टी की पावर कितनी है, तो टी आपके पास में 1000 है, मतलब 10^3 और 10^4 और वो तो आपके पास में टी दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा आप कर लो इसको, तो ये जाएंगे आपके पास में 20, इसको कर दो 57 ज़रब 10^-9 ज़रब 10^4 = 12 है ना, तो कितने बचेंगे मुस्बत के 3 बचेंगे, तो ये हो जाएंगे 20 ज़रब 10^-3 ऊपर आके डिवाइडेड बाई यहाँ कितने बचेंगे 57। आप क्या करो दोनों को डिवाइड करो, आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है 20 / 57 इंटू 10^-3, ठीक है। क्या करना है 20 और 57 को डिवाइड करना है और 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा मीटर का स्क्वायर एरिया, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप ये कर लोगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 16, न्यूमेरिकल नंबर 17, न्यूमेरिकल नंबर 18, न्यूमेरिकल नंबर 19 और न्यूमेरिकल नंबर 20, ये 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अभी भी 5 न्यूमेरिकल बाकी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है, तो अभी भी 5 न्यूमेरिकल बाकी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हम इन न्यूमेरिकल को पूरा मुकम्मल कर ले। तो आज के इस न्यूमेरिकल के ताल्लुक से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, इसीलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं, आप भी इसे सॉल्व कीजिए घर पे, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क आपको को ना छोटी सी डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन है, अगर यहाँ लॉक टेबल से हम लोग सॉल्व करते बैठेंगे तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, वीडियो हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए तमाम बच्चे पहले तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैं न्यूमेरिकल के लिए आपको यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ उसे आप घर पे मुकम्मल कर लीजिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम हमारे अगले 5 न्यूमेरिकल लेकर फिर से हाजिर होंगे। आज हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।